एक और प्रॉब्लम है जो हुकूक उलिबाद से ताल्लुक़ रखता है और वो है गालियाँ देना। बहुत सारे लोग हैं जो गाली देते हैं बात बात में, और गाली देने के मुतालिक सही बुखारी की हदीस है, सिबाबुल मुस्लिमी फसूक व क़िताल्हु कुफ्र। मुस्लिम को गाली देना फिस्क है, गुनाह का काम है, और उसके साथ क़िताल करना, लड़ना कुफ्र है। और किसी भी गैर अहल को अगर कोई बात कही जाए, कोई बुरे अल्फाज से पुकारा जाए, अल्लाह ताला इस चीज़ के बारे में नहीं पसंद करता। कई लोग होते हैं उनकी ज़ुबानी बेहया होती है, बात बात में गाली निकलती है, अल्लाह अकबर, उन्हें एहसास तक नहीं होता, उन्हें पता तक नहीं होता शायद, लेकिन निकलती जाती है, निकलती जाती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल फाहिशिन मुतफाहिश। सही बुखारी की हदीस है, किताबुल आदाब। अल्लाह नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को जो बेहया होते हैं और बेहयाई की बातें कहते हैं। हम अपने ऐसे भाइयों से, लोगों से ख़ास इल्तिजा करते हैं, जायज़ा लो। अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता ऐसे लोगों से, अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो गए, अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गए। क्यों? ये ज़ुबान, काश बंद रखे होते ज़ुबान को, काश थोड़ा खामोश रहे होते, थोड़ा अंदर 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 रहे होते, अच्छा रहता, बच गए होते ये चीज़ से। अब अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो गए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता अल्लाह ऐसे लोगों से, नहीं पसंद करता। अल्लाह के यहाँ थोड़ी ऐसे ऐसे लोग चल जाएंगे, नहीं पसंद करता अल्लाह ताला। कुल फाहिश मुतफाहिश, हर बेहया शख्स जो बेहयाई की बातें करता है।